रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। रूस के संविधान के मुताबिक यूं तो हर साल इस संबोधन का प्रावधान है, लेकिन पुतिन ने 2 साल बाद ये संबोधन किया है। ये संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के ठीक एक दिन बाद आया है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की, तो मंगलवार को राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में अमेरिका और पश्चिमी देशों को कटघरे में खड़ा किया। कहा, युद्ध तो पश्चिमी देशों ने शुरू किया है। पुतिन ने अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट परमाणु समझौते में रूस की भागीदारी को रोकने का ऐलान कर दिया। अमेरिका को घेरते हुए कहा कि उसने पूरी दुनिया में अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। पश्चिमी देश मूलभूत समझौतों से हट गए और नेटो का विस्तार करने में लगे रहे। पुतिन ने दावा किया कि वे यूक्रेन के साथ समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते थे, लेकिन पश्चिमी देशों ने पीठ पीछे एक अलग तरह का परिदृश्य बना दिया। वे बातचीत चाहते थे, लेकिन पश्चिमी देश रूस को झूठ और धोखा देते रहे। पुतिन ने आरोप लगाया कि 2014 में यूक्रेन में तख्तापलट में पश्चिमी देश सहयोगी रहे। यूक्रेन के लोग पश्चिम के गुलाम बनकर रह गए, जिन्होंने इस देश को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तौर पर दबा कर रखा। यूक्रेन विदेशी हाथों में खेलने लगा। यूक्रेन की सरकार भी रूस के प्रति नफरत और खतरे को बढ़ावा दे रही थी। यूक्रेन परमाणु और जैविक हथियार इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। पुतिन ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिमी देश एक स्थानीय संघर्ष को वैश्विक संघर्ष बनाने में जुटे हैं। पुतिन ने अपने घरेलू मोर्चे को भी साधने की कोशिश की, रूसी सैनिकों की तारीफ की, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात की, सैन्य प्रशिक्षण और हथियारों का उत्पादन इसको बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के सामने की चुनौतियों को स्वीकारा, भविष्य में दुनिया के देशों के साथ आर्थिक संबंधों का खाका पेश किया और इसके लिए पूर्वी एशिया के देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को विकसित करने की जरूरत भी बताई। पुतिन ने जंग को हर हाल में जीतने की बात की। राष्ट्रपति पुतिन के भाषण के बाद अमेरिका और यूक्रेन ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया।